हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। आपकी इन्वेस्टिंग जर्नी अच्छे से चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, ऑडियो की प्रॉब्लम कुछ दिनों से आ रही थी, उसको सॉल्व करने का प्रयास किया गया है। बाकी आपको कोई प्रॉब्लम लगती है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। तो आज हम बात करने वाले हैं एनटीपीसी स्टॉक के बारे में और इसका टेक्निकल एनालिसिस करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, एनटीपीसी में यहाँ पे एक सपोर्ट स्टॉक ने लिया है, एक 228 के आसपास, इसको सपोर्ट ही मान लीजिए। अब सपोर्ट बना ही दिया है स्टॉक ने तो क्या ही कर सकते हैं, 228 के समथिंग स्टॉक ने सपोर्ट बना दिया है। तो अब स्टॉक ने फिर से रिकवरी करने का प्रयास किया है, तो आपके लिए एक एंट्री का मौका है। मौका तो आपके पास था 236 रुपए के लेवल के ऊपर, अभी 235 पर है, तो आप फिर से इसमें एंट्री लेने का मौका आपको मिल रहा है, एंट्री ले सकते हैं। स्टॉप लॉस रखेंगे 230 रुपए का, और टारगेट की बात करें तो आपका पहला टारगेट, छोटा टारगेट है 251 रुपए का, ठीक है। 251 रुपए का टारगेट हो जाता है और उसके बाद आपका 270 रुपए का टारगेट होने वाला है। तो इन टारगेट्स को ध्यान में रखते हुए आप एंट्री ले सकते हैं या लेवल्स को ध्यान में रखते हुए, लेकिन अपना खुद का रिसर्च भी जरूर कीजिएगा। हो सकता है स्टॉक रिकवर ना कर पाए, लेकिन स्टॉप लॉस जरूर फॉलो करें, क्योंकि स्टॉप लॉस जरूरी है। अगर आप स्टॉप लॉस रखेंगे तो आपका लॉस कम होगा, ठीक है, बड़े लॉस से आप बच जाएंगे। सोच लीजिए, आपने 230 का स्टॉप लॉस नहीं लगाया और स्टॉक 230 के बाद नीचे सीधा आएगा 215 के आसपास, तो आपको बहुत भारी नुकसान हो सकता है। तो इसलिए अपने रिस्क मैनेजमेंट और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस पर स्टॉक को बाय करें, और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे, राम राम।